सौमित्र, बाबा की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रहे, यानी 2 दिनों तक वो यहां रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहले बाबा की आराधना की और फिर आज स्वरवेद महामंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के संग पाठशाला लगाई और गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया, यानी उन्हें अपने राज्य में कैसे बेहतर काम करना है जनता के लिए ये बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के दौरे में शिव की भक्ति के साथ साथ अपने काम को भी जनता को गिना है। एक सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में वो काशी के लिए क्या क्या कर सकते थे उसके बारे में भी जनता को बताया। चुनाव के लिए मोदी ने जनता से जो वादा किया था कि काशी को क्योटो बना देंगे, वो वादा कहीं ना कहीं अब पूरा होता दिखाई देने लगा। काशी का कायाकल्प हो चुका और इसकी झलक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर लगाई जा सकती है। मोदी ने बाबा विश्वनाथ के धाम को नया आकार दिया है। काशी के कॉरिडोर की पूरे देश में चर्चा है। काशी संकरी गलियां अब सुंदर और भव्य दिखने लगी हैं। मोदी ने कहा उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन मोदी ने काशी में घाट पर स्नान किया और काल भैरव की पूजा की। घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए और दूसरे दिन मोदी ने स्वरवेग मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और सदगुरु सफाल देव को नमन किया। मोदी ने कहा कि अब काशी में आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी विस्तार हो रहा है। काशी में अक्षुण्य ऊर्जा है और सभी को इसका लाभ मिलता है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे में सीएम योगी भी उनके साथ साथ मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी की वजह से ही आज देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिली है। कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं, यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे से वाराणसी में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। ये जोश और उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा। 2022 में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी के लिए पूर्वांचल काफी मायने रखता है। मोदी लगातार पूर्वांचल में कई दौरे कर चुके हैं। पूर्वांचल में अगर पकड़ मजबूत हो गई तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका सियासी लाभ भी मिलेगा। वाराणसी से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।